हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिजी माँ। आज हम आपको लेके जाने वाले हैं मॉल ऑफ देहरादून, जो कि मच अवेटेड था। काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि कब ये ओपन होगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा है मॉल ऑफ देहरादून। तो ये एंट्रेंस है वहाँ की। सो ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल है और प्राइड ऑफ देहरादून करके इसको बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज किया जा रहा था। सो हमने सोचा चलिए देखते हैं। तो पहले तो बहुत बहुत रश है यहाँ पर, लोग ऐसे आ रहे हैं जैसे पता नहीं क्या नई चीज़ आ गई हो। इट्स जस्ट अ मॉल, बट स्टिल बहुत ज़्यादा रश था। सो आई वुड सजेस्ट कि अभी विज़िट ना करें इस मॉल को, बिकॉज़ अभी हार्डली ही चीज़ें यहाँ पर ओपन हुई है। मतलब ब्रांड्स बहुत सारे हैं यहाँ पर जो आने वाले हैं, बट एवरीथिंग इज़ कमिंग सून। अभी फुल्ली एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। सो ओपनिंग हो गई है यहाँ की, बट सब कुछ जो है वो ओपन नहीं हुआ है यहाँ पे। सब मोस्टली सारी चीज़ें कमिंग सून ही थी जहाँ पर हमने एंटर किया। सो ऑफ कोर्स काफ़ी बड़ा मॉल है, बिकॉज उत्तराखंड लार्जेस्ट मॉल है, सो इसलिए काफ़ी बड़ा है। बट यस, एज आई से बहुत लिमिटेड चीज़ें अभी खुली है यहाँ पर। बहुत जल्दी यहाँ पर सब कुछ खुलेगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा इन्जॉयमेंट होगा यहाँ पर आके। बट स्टिल आई फील कि पहले यहाँ पर फार्म था, आई बिलीव बहुत सारी ग्रीनरी थी, ट्रीज थी, उसको काट के मॉल बना दिया गया है। तो कुछ ऐसा खास तो नहीं लगा। ऑलरेडी देहरादून में सेंट्रियो और पैसिफिक मॉल है, और सेंट्रियो मुझे काफ़ी बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू मॉल ऑफ देहरादून। बट होपफुली जब सब कुछ यहाँ पर ओपन हो जाएगा तो शायद बेटर लगे। स्टिल हमने यहाँ का फुल टूर लिया, सारी चीज़ें देखी। फूड कोर्ट में भी अभी सिर्फ तीन ही ऑप्शंस अवेलेबल थे, बर्गर किंग एंड चेन्नई कैफ़े चेन्नई अमृतसरी एक्सप्रेस। बस यही तीन अभी ओपन थे और बाकी सब अभी कमिंग सून है यहाँ पर। सारे ब्रांड्स आएंगे ऑफ कोर्स, बट इट विल टेक टाइम। और बाकी देयर वाज नथिंग मच टू सी राइट नाउ। यहाँ की जो लिप्स थी बहुत ऑर्डिनरी है, बहुत स्लो है। सो ओवरऑल बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया मॉल ऑफ देहरादून जाके, जिस तरीके से इसे पब्लिसाइज किया जा रहा है प्राइड ऑफ उत्तराखंड करके। तो इतना तो कुछ अमेजिंग नहीं था। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर मॉल। मॉल ऑफ देहरादून को आप लोग टैग कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और अगर आप अभी वीडियो बना रहे हैं मेरी तो कहाँ पर टैग कर रहे हैं, आज से आकृति के नाम से इंस्टाग्राम पर आपको बताऊंगी आज से आकृति। बाकी यहाँ पे कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ भी चल रही थी। आई थिंक कमिंग टाइम में थोड़ा और बेटर हो जाएगा, तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा लेट जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा जब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ओपन हो जाएगी। सो दिस वाज आवर व्लॉग अबाउट मॉल ऑफ देहरादून। बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए। नेक्स्ट टाइम जब विज़िट करेंगे, जब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी ओपन हो जाएंगी, तब एक और व्लॉग डालेंगे यहाँ का। सो फॉर द टाइम बीइंग, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको कोई भी नया व्लॉग आए, कोई भी नया वीडियो आए पहले पता चल जाए। वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो, और आपको मॉल ऑफ देहरादून कैसा लगा वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। डू यू अग्री विद व्हाट आई से और नॉट, कि यहाँ पर ट्रीज ही रहने चाहिए थे पहले की तरह इंस्टेड ऑफ दिस न्यू मॉल। और गिव योर व्यू पॉइंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सब्सक्राइब बिजी माँ फॉर मोर सच वीडियोज़। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।